गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। सो गाइस, ये हमने रूम लिया था 2 बेडरूम का, तो आपको आज थोड़ा व्यू दिखा दूं। रात को नींद बिल्कुल पूरी हो गई। एक ये रूम था और यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है। ओह शिट, मेरे दूसरी क्लिप में है व्यू, तो वहाँ पे दिखा दूंगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जाएंगे श्रीनगर, यहाँ से 200 किलोमीटर है, काफी लंबा रास्ता है। और पेरिस बाय गाइस। तो बस ये पापा हैं और चाचू, दादी जी खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने खाना वगैरह सारा बना लिया है अपना। तो ये चेयर लेके आए थे कि कहीं पर भी अगर बैठ के रिलैक्स करना हो तो कर सकते हैं। कुछ वो वहाँ पे भी फोटो शूट चल रहा है। हो जाओ रेडी, जाओ पहले हम खाएंगे कुछ, फिर होते हैं रेडी। पहले खाएंगे, फिर नहाएंगे, फिर जाएंगे। देख सकते हो कि यहाँ पे वेट ना इन्होंने बना के रखा हुआ है होटल वालों ने, तो इस चांस को मिस कैसे कर सकते हैं। तो फिर आ गए सभी, लगाने लगे। आप देख सकते हो कि पैरी भी है, पैरी चल डांडला थले। सो फाइनली गाइस, वी आर रेडी टू मूव। अब हम यहाँ से निकलेंगे और सीधा आज श्रीनगर में ही स्टे होगा। तो रास्ता काफ़ी लंबा है, बट ब्यूटीफुल भी है रास्ता और मज़ा भी आता है। यहाँ पर पटनीटॉप में काफ़ी कुछ देखने को था, बट टाइम की कमी होने के कारण हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सके, क्योंकि मेन जो हमारा टूर है वो लेह लद्दाख का है, तो वहाँ पे जल्दी पहुँचना ज़रूरी था।
तो इसलिए हम निकल पड़े यहाँ से। और बस यही तक था पटनी टॉप का। अभी आगे देखते हैं क्या क्या होता है। आप रास्ता चेक करो, बहुत सुंदर है। और हाँ, पटनी टॉप में एक बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पे बोलते हैं कि जो शिवजी और पार्वती उनकी मैरिज, जो उनका विवाह हुआ था वहाँ पे, तो वो भी मंदिर यहाँ पे ही है, पटनी टॉप में ही है। बट वो हमें पता ही उसका बाद में चला, तो वहाँ पे जा नहीं हो सका। बट वो बहुत ही सुंदर जगह है, बोलते हैं कि जो भी आए उसको जाना चाहिए एक बार। आप जब भी आओ तो एक बार ज़रूर आना। पटनी टॉप से ही थोड़ा सा आगे आए हैं, तो हमारी ना जो गैस लेके आए हैं सिलेंडर साथ में, तो उसमें थोड़ी गैस कम हो गई थी, तो सोचा गैस पूरी करवा लें। ये देखो आप शॉप। हेलो गाइस, लाइक करो, फॉलो करो। ये अपना सिलेंडर पड़ा है, तो ये भाई काम कर रहा है, और वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। बोल रहे हैं कि श्रीनगर में गर्मी बहुत होगी, बाकी देखते हैं जाके। भाई पटनी टॉप से थोड़ा ही आगे आए हैं, तो गैस फिल करवा रहे हैं अभी। आप व्यू चेक करो, यहाँ पे ना ऐसा होता है कि कभी फॉग कभी धूप, बिल्कुल जैसे हेवन में हो हम। तो आप देख सकते हैं व्यू बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे देखो फ्रूट भी लगे हुए हैं, जूम 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 करके भाई। काफ़ी अच्छा है, लोग वहाँ से आ रहे हैं श्रीनगर से, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। पर देखते हैं, अभी जाना तो पड़ेगा क्योंकि लेह लद्दाख जाना है, तो वहीं से रास्ता है, तो वो आप साथ साथ रहेंगे। गाइस आप व्यू चेक करो एक बार, वाओ। गाइस मैं बार बार आपको व्यू इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं इसी चीज़ों के लिए, मतलब यही कुछ देखने के लिए, व्यू ही होता है मेन जो होता है। तो बार बार मैं जहाँ पर भी मेरे को व्यू अच्छा लग रहा है, मैं आपको रोक के गाड़ी जरूर दिखाता हूँ एक बार। गाइस व्यू चेक करो आप एक बार। अभी श्रीनगर जा रहे हैं हम, श्रीनगर के रास्ते पे हैं, और इधर हो जाए, इधर हो जाए। ये डैम वाला पानी है सारा जो आ रहा है, पीछे डैम है, बिल्कुल छोटे छोटे लग रहे हैं घर सारे। आप देख सकते हो कि आगे जो एक नई टनल बन रही है उसका भी काम चल रहा है, तो जल्दी ही ये भी चलने लगेगी। श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं जी, बस थोड़ी दूरी है। और ये देखो एक रास्ते, ये ना नए रास्ते बन रहे हैं, जेसीबी जैसे वो लगी हुई है। साथ में नदी है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बनिहाल, ये श्रीनगर और पटनी टॉप के रास्ते में आता है। यहाँ पे ना एक केक मिलते हैं, वो बहुत मशहूर होते हैं, वो हमने खाए भी थे लेके, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी वीडियो नहीं बना सका। एक खास ध्यान रखना कि जो यहाँ पे ना टोल रोड स्टार्ट हो चुका है, जो हाईवे रोड होता है, तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है, पनिहाल से थोड़ा बाहर निकलते ही कंफ्यूजन होती है कि टोल रोड कौन सा है। तो आप टोल रोड पे जरूर चढ़ना, अगर दूसरी साइड जाओगे तो एक जम्मू की तरफ जाएगी और एक दूसरी और तरफ है, तो इस बात का खास ध्यान रखना। टोल रोड आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा है, टोल रोड बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बना हुआ है, अपनी फुल स्पीड पे जाती है गाड़ी। श्रीनगर जाना हो तो ये रोड आप टोल रोड ही चढ़ना, ठीक है।
ठीक है। तो गाइस ये वाली वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह का अपने आपको देखने को मिलेगा। एक टनल आती है पूरी 10 किलोमीटर लंबी, वो ऐसे ही आपको दिखेगी और फुल आपको अंदर से दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। थैंक यू।